अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज हम बनाएंगे ईद का स्पेशल केक। ईद केक ये इतना आसान है और इतना मज़े का बनता है। आमलेट केक, यानी कि बादाम वाला केक है, तो ये हम बनाते हैं। आप बना के रख लें, कहीं भी घर से जाना हो या किसी के घर, बाजार से रहने की बजाय तो आप अपना घर में बनाएंगे केक। तो उसके लिए हमें बादाम चाहिए। ये बादाम मैंने 2 हिस्से में काट लिए हैं। उसके लिए 2 चम्मच ये खुशक दूध है। ये जैम है, आप मैंगो जैम ले लें, एप्पल जैम ले लें, मैंने मैंगो जैम लिया है। ये 1 कप चीनी है पिसी हुई, ये 1 कप मैदा है और ये पिसे हुए बादाम है। तो ये इस कप से मैंने लिया है। और इसके लिए हमें ये 4 अंडे चाहिए, बेकिंग पाउडर चाहिए और ये बादामों का ये सेंस है। तो सबसे पहले हम मोल्ड तैयार करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे ये मक्खन। इसको ज़्यादा सारा मक्खन लगाना है ताकि ना ये प्रेस हो जाए। बादाम इसके ऊपर लगाते हैं तो मैं ये लगाती हूँ, तो बल्कि शायद हाथ से लगा लें। अच्छा, ये मक्खन इस तरह इतने हाथों से, खुले हाथों से लगा के, चम्मच से लगाएं, हाथ से लगाएं, जैसे भी ये लगता है ना, बस इस तरह लगाना है, इतना ज़्यादा ना, ताकि हम बादाम लगा सकें। और बादाम की जो ये नोक वाली साइड है ना, वो आपने इधर लगानी है इस तरह, और जो गोल वाली साइड है ना, वो आपने बाहर वाली साइड पे लगानी है। ये इस तरह लगाते हैं। अच्छा, ये हमने इस तरह बादाम लगा लिए। उसके बाद ये जो चूरा बादामों का था ना, ये हम ऊपर ऐसे थोड़ा हल्का सा डाल देंगे चारों तरफ। सबसे पहले आपने मोल्ड ही तैयार करना है। ये तैयार करके बना के इसे फ्रिज में रख दें। ये आप इस तरह बना के, तो ये थोड़ा सा देर के लिए फ्रिज में रखते हैं, तो फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये मक्खन है, यहाँ 200 ग्राम है, तो इसको थोड़ा सा मैं बीट करूँगी। अच्छा, ये मैंने बीट कर लिया है। अब ये शक्कर है चीनी, यानी कि ये ही 1 कप है, जो जिससे सादा का ये नापा है। इसका मैदा भी नापा था, ये भी नापा था। अब ये 1 कप चीनी है ना, वो इसमें जाएगी। अब मैं थोड़ा सा इसको बीट करती हूँ, तो फिर दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने बीट कर रखा है, तो अब मैंने ओवन जला दिया। ओवन जलाया तो तकरीबन 10 मिनट पहले ही आपने भी जलाना है। अब इसमें 1 अंडा डालेंगे। एक चम्मच वनीला, ये सेंस है बादाम का ना, तो ये किसी भी बादाम है, ये डालेंगे 4 चम्मच। आपने जितने चम्मच डालने हैं ना, ये 4 चम्मच मैं डालूंगी, तो 4 चम्मच मैदा कम कर लूंगी मैं इतना इधर से, फिर वो ना 1 कप का ही हिसाब हो जाएगा सीधा सीधा। ये इसमें डालूंगी मैदा, और ये इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, 2 चम्मच ये खुशक दूध है, जो मैं ये डालूंगी, ये मिक्स करेंगे। अब मैं ये मिक्स करती हूँ, तो दिखाती हूँ। अच्छा, ये सांचा हमने निकाला है। अब इसमें हमने बड़े आराम आराम से रखना है इसके ऊपर ये।
ये आपने इस तरह डाल के इसको सीधा कर देना है। ये बहुत ही मज़ेदार केक बनेगा, बाजार से लेने के बजाय आप घर बनाएं, बना के ईद पे रख लें घर में दो चार, तो कर लें ताकि कोई बबल वगैरह हो तो वो बाहर निकल जाए। इसके लिए ये है कि पहले तो हम ये सीधा ही रख देते हैं ना, इसके लिए हम ये ट्रे लेंगे, उसके ऊपर ये रखेंगे, इसके ऊपर इस तरह रख के मैंने 10 मिनट पहले ओवन चलाया है, तो ये रखते हैं तकरीबन 30 मिनट में ये बेक हो जाता है, तो ये मैं ओवन में रखती हूँ। तो फिर मैं सर जब ये केक हो जाएगा तो ऊपर जेल लगाना है ना, तो उसके लिए 2 चम्मच मैंने जैम लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के ना फिर इसको मैं पकाती हूँ जी। जब मैं इसको पकाती हूँ तो फिर बाद में दिखाती हूँ। अच्छा ये थोड़ी सी ये जैली वो जैम डाला था जो वो पक गया, अब इसमें हम थोड़ा सा सेंस डालेंगे बादाम का जी, 2-3 कतरे, बस ये डाल के इसे हम ठंडा कर देंगे। तो जैसे आप अगर पहले बना के रख देते हैं तो ये ज़्यादा जम जाता है, तो आप दोबारा से चूल्हे में गर्म करके तो केक के ऊपर लगाएं। मैं भी दिखाती हूँ कैसे लगाना है, तो ठंडा होता है उतनी देर तक, तो मैं दिखाती हूँ जी। ये केक बन के हमारा तैयार हो गया है, तो अब इसके हम किनारे छुड़ाएंगे। केक बन के तैयार हो गया, और जो जेली पकाई थी ना, तो ये बस ये जेली इसके ऊपर लगा देंगे। चलो ये अब ठंडा होता है तो फिर मैं दिखाती हूँ काट के। बहुत मज़े का सॉफ्ट केक बना है। हाँ जी वाह, हम बनाए बहुत मज़े का बहुत टेस्टी केक बना। आप इसे बनाएं, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जब ये मैंने मैदा डाला था ना, तो उस वक्त बेकिंग पाउडर 1 चम्मच डाला था, तो आपने ना इसी तरह बेकिंग पाउडर डाल लेना है, तो उसके बाद मैदा छान के तो उसमें डालना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।